नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी हेल्प डेस्क में। सीएससी हेल्प डेस्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल आय प्रमाण पत्र। अगर आपने डिजिटल आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है और आप इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड करना चाहते हैं, या आपने लोक सेवा केंद्र ईएमपी डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आय प्रमाण पत्र बनवाया है और आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर आवेदन क्रमांक आ चुका है, या आप अपना आय प्रमाण पत्र गुम हो चुका है आपका, तो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल व कंप्यूटर लैपटॉप से इनकम आय प्रमाण पत्र को कैसे आप डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप सीएससी हेल्प डेस्क चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। इनकम सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए mpedistrict.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सिंपली वन क्लिक पे ही आप इस पेज पे आएंगे। आने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का होम पेज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर में ऑनलाइन आवेदन प्लस आवेदन की स्थिति, तो सिंपली आपको सेकेंड नंबर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आवेदन की स्थिति, आवेदन की स्थिति यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन की स्थिति आप देखने के लिए, या पुराना आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए, या नया आवेदन आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको पंजीकरण क्रमांक नंबर डालना होता है। अगर आपके पास पंजीकरण क्रमांक नंबर नहीं है तो आपने जो मोबाइल नंबर उस समय दिया था आय प्रमाण पत्र बनवाने के समय, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। सिंपली आपके पास अगर पंजीकरण क्रमांक है तो उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पंजीकरण क्रमांक नहीं है, गुम हो चुका है, आपको याद नहीं है, तो सिंपल से प्रोसेस, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है जो मोबाइल नंबर आपने दिया था। उसके बाद आपको जो कैप्चा कोड दिए हुए हैं, सिंपली आपको कैप्चा कोड डाउनलोड करने के बाद खोजे पे क्लिक कर देना है। और खोजे पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड होगा। जब आपने आय प्रमाण पत्र बनवाने के समय मोबाइल नंबर दिया था, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद ओटीपी आपके मोबाइल रजिस्टर पे ओटीपी सेंड हो जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पे वो ओटीपी को सत्यापित कर देते हैं। आपको यहाँ पे सत्यापित ओटीपी टाइप करने के बाद सत्यापित ओटीपी पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आपने जब जब एमपी डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आपने आय प्रमाण पत्र बनवाया था, वो सारे आय प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमने हमारा जो आय प्रमाण पत्र है यहाँ पे हमने दोबारा बनवाया है, क्योंकि हमारा आय प्रमाण पत्र यहाँ पे गुम हो चुका था, ऑनलाइन अप्लाई किया था। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारा जितनी बार हमने आय प्रमाण पत्र बनवाया है यहाँ पे शो हो रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे जो न्यू लेटेस्ट हमने बनवाया है उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डेट देख सकते हैं नीचे की तरफ, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके ऊपर आपको क्लिक करना है डाउनलोड करने के लिए। इनकम सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हुए हैं उनके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप बेसिक से आपकी जो डिटेल्स हैं उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और प्रमाण पत्र नीचे आपको डाउनलोड करने के लिए प्रमाण आदेश का ऑप्शन मिल जाता है। तो प्रमाण आदेश के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उसमें आपका आय प्रमाण पत्र ओपन हो जाएगा पीडीएफ में। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन कार्यालय पदाहित अधिकारी लोक सेवा केंद्र, यहाँ पे आपका आवेदन क्रमांक, आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, दिनांक देख सकते हैं, आय प्रमाण पत्र आपका देख सकते हैं जो कि एक डिजिटल है, जो कि हमने एक न्यू लेटेस्ट ऑनलाइन अप्लाई किया था उसको यहाँ पे हम देख सकते हैं, और इसको हम यहाँ से आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपका आय प्रमाण पत्र कहीं गुम हो चुका है, या आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाया था, या आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है और आपको नहीं मिला है, तो आप इस प्रोसेस के माध्यम से भी आप अपने इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।